क्योंकि संपर्क आज कंप्यूटर के माध्यम से यहीं हिम्मतनगर में बैठ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पता करने पर आपको पता चलेगा कि भाई जो हम लोगों की बातों में बहकावे में आकर के सब चीजें छोड़ करके, अब धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अब देखो महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी। वासंती शाह का हमने कहा था आपको, उनने लेख लिखा कि जिनेन्द्र भगवान वीतराग होते हैं इसलिए 8 द्रव्यों से पूजा नहीं करना चाहिए। और फिर उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाले जो मंद बुद्धि लोग, क्योंकि जो तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं वो ऐसी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या कुछ खा करके आया है या क्या बड़बड़ा रहा है भगवान जाने, वो उसको नशे में समझते हैं। और जो मंद बुद्धि होते हैं उनको लगता है कि देखो कितनी बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं, वीतराग भगवान है, वीतराग भगवान कुछ लेते देते नहीं है इसलिए उनको क्यों चढ़ाना, छोड़ दिया, चढ़ाना बंद। इसी प्रकार किसी ने कह दिया कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, वो तो मूर्ति की सफाई होती है अभिषेक से, इसलिए कभी कभी कर लेना चाहिए सफाई, तो उनने अभिषेक को सफाई की क्रिया मान लिया। और न जाने ऐसे कितनी कितनी मान्यताएं अभी पिछले 50 सालों में पैदा हो गई लोगों के दिमागों में, शांति धारा नहीं करना चाहिए, स्थापना नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए यहां पर तो किसी का ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर यही सारांश निकला कि ज्यादा से ज्यादा बचो, ज्यादा से ज्यादा आलस को पुष्ट करो। अब एक अभिषेक आधे घंटे में होता था और एक 5 मिनट में होता है, तो फिर कौन टाइम खराब करे आधे घंटे का, उसको लगता है कि खराब करना है टाइम, पर होना जाना कुछ है नहीं अभिषेक से, क्या होगा मेरा क्या कल्याण होने वाला। ऐसी सब विपरीत धारणाएं दिमाग में भर गई और फिर अलग प्रकार से एक धारा चलने लगी। तो इसलिए हमारा कहना तो यही है कि अपन निष्पक्ष होकर के थोड़ा व्यापक दृष्टि से विचार करो तो बहुत सारी नई बातें खोजने पर मिलती है। देखो साइंटिस्ट बनने पर नई चीजें मिलती है, रूढ़िवादी बनने पर जो मिलना है वो भी गंवा बैठते हैं। अष्ट प्रातिहार्य उन्नीसवा काव्य धर्मोपदेश समय सविधानुभावा सरल दास्तान जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ स महीरुहोपि किंवा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। अशोक तरु की बात है। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तान जनो भवति ते तरुरप्यशोकः। अभ्युद्गते दिन पतौ समहीरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। धर्मोपदेश समये, धर्मोपदेश के समय यानी जब समवसरण लगता है भगवान का, उस समय की बात है। ते तरुहु, आपका जो समवसरण में एक प्रातिहार्य एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है वो भी अशोक भवति, अशोक वृक्ष होता है। भले आपने केवल ज्ञान किसी भी वृक्ष के नीचे प्राप्त किया हो, महावीर भगवान ने शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया था और कई तीर्थंकरों ने नाग केसर वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, कोई ने बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, कोई ने पीपल के नीचे, ऐसे अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं जिनके नीचे तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन धर्मोपदेश के समय ते तरुरपि अशोक भवति, आपका वो वृक्ष भी वो आकार प्रकार बिल्कुल वही रहेगा जिसके नीचे केवल ज्ञान हुआ भगवान को। अशोक वृक्ष की क्या विशेषता है? एक तो भगवान से 12 गुना ऊंचा होता है और 12 गुना ऊंचा होते हुए भी वो आकार उसी का होता है जिसके नीचे केवल ज्ञान हुआ है। बांस के पेड़ के नीचे जैसे केवल ज्ञान हुआ है भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को, तो फिर वो वहां
समवसरण में भी वही वृक्ष होगा वहां पर, लेकिन 12 गुना ऊंचा होगा भगवान की ऊंचाई से। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो जो अशोक वृक्ष था वट वृक्ष के आकार वाला, उसकी ऊंचाई 6000 धनुष ऊंची। तो वो भी अशोक हो जाता, वहां पर अशोक वृक्ष कहलाता वो, वरना अशोक वृक्ष एक बगीचे का वृक्ष होता है, वो अलग होता है। लेकिन यहां पर समवसरण में कोई भी वृक्ष क्यों ना हो, जिसके नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसकी प्रतिकृति बनी रहती है, उसका नाम अशोक वृक्ष होता है। तो फिर यहां पर आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, सविधानुभावात, उसका कारण यह है कि वो आपके समीप होता है। सविध का मतलब होता है आपके निकट, आपके करीब होता है, इसलिए आपकी निकटता के कारण वो वृक्ष भी, और उसका अनुभव, आपकी निकटता का अनुभव का अर्थ है प्रभाव, आपकी निकटता के प्रभाव से वो पेड़ भी अशोक हो जाता है। तो जना आस्ताम, तो फिर मनुष्यों की तो बात दूर रही, बोले जब आपके निकट में रहने वाला पेड़ भी अशोक हो जाता है, तो आपके चरणों में आने वाला मनुष्य अशोक क्यों नहीं होगा। अशोक नाम अगर किसी का हो तो उसकी चर्चा नहीं चल रही है यहां पर। यहां पर अशोक का मतलब नास्ति शोको यस्य सह अशोकः, उसके अंदर शोक रह ही नहीं सकता जो भगवान के करीब आ जाए। जब भगवान के करीब रहने वाला पेड़ भी अशोक हो जाता है, तो फिर भगवान के पास जाने वाले मनुष्य अशोक क्यों नहीं होंगे। आस्ताम बोले, उनकी बात तो दूर रही मनुष्यों की, पेड़ भी अशोक हो जाता है, ये कह रहे हैं। फिर दृष्टांत क्या दिया, दिन पतो अभ्युदगते, सूर्य का उदय हो जाने पर, समहिरूपी जीव लोक, महिरूह का मतलब पेड़ होते हैं, पेड़ होता है, तो बहुत सारे पेड़ों से सहित जीव लोक, जो जीवों का जगत है, लोक है, वो भी किंवा विबोधम न उपयाती, क्या जागृति को प्राप्त नहीं हो जाता। तो सब जागृत हो जाते हैं सूर्य का उदय होने पर, अर्थात सब विकास को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे भगवान की निकटता से जब पेड़ भी अशोक हो जाता है, तो फिर बाकी जीवों का क्या कहना। फिर दूसरा प्रातिहार्य, चित्रम विभो कथम अवांगमुख वृंतमेव, कथम अवांगमुख वृंतमेव विश्व पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि। पुष्प वृष्टि का वर्णन किया है दूसरे नंबर पर। भक्तावर में पहले अशोक वृक्ष था और दूसरे स्थान पर सिंहासन का था। जो काव्य आया था ना, 29वां काव्य सिंहासन से संबंध रखने वाला था। यहां पर पुष्प वृष्टि है। चित्रम विभो कथम अवांगमुख वृंतमेव, विश्व पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि। त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मध एव हि बंधनानि। हे विभो चित्रम, ये बड़ी विचित्र बात है कि सुर पुष्प वृष्टि अविरला पतती, देवों के हाथों से जो पुष्पों की वर्षा होती है देवों के विमानों से, वो अविरला पतती, अविरल यानी निरंतर पड़ती रहती है, विश्वक यानी सब तरफ से।
लेकिन कथम अवांग मुख वृंतमेव, वो सारे फूलों की जो वर्षा होती है वो अवांग मुख वृंतमेव, ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके ही सारे फूल गिरते हैं। अभी शादियों में या और किसी उत्सव में जब फूल बरसाए जाते हैं तो कई फूल ऐसे उल्टे सीधे आड़े तिरछे गिर जाते हैं, लेकिन यहां पर जो देव लोग निरंतर फूलों की वर्षा कर रहे हैं उनमें सभी फूल ऐसे ऊपर मुंह करके कैसे गिरते हैं, बड़ी विचित्र बात है। तो फिर यदि वा उसका समाधान दे रहे हैं आचार्य महाराज, हे मुनीष तद गोचरे, आपके समीप आने पर यानी आपके सन्निधान में सुमनसाम सुमनसाम बंधनानी अत एव ही गच्छन्ति नूनम। बोले जो सुमनस होते हैं, सुमनस ये श्लेषालंकार कहलाता है कि शब्द एक रखा है लेकिन अर्थ दो निकालेंगे इसमें से। सुमनस जो सुमन होते हैं, सुमन किसको बोलते हैं, फूल को। तो जो भी सुमन आपके पास आएगा आपके चरणों में तो उसके जो बंधन है, फूल की जो गांठ होती है उसको बंधन कहते हैं, वो बंधन नीचे ही जाएगा, निश्चित बात है। अथवा उसका सुमनस का दूसरा अर्थ निकालो कि जिनका मन सु अर्थात शुभ है, सुंदर है, भक्ति युक्त है, वो अगर आपके समीप आ जाएगा तो उसके जो बंधन है वो नीचे ही गिरेंगे, माने कर्मों के बंधन टूट टूट करके नष्ट हो जाएंगे। एव ही और नूनम, तीन तीन शब्द रखे हैं, माने इतना वो जोर देकर के कह रहे हैं आचार्य महाराज कि सुंदर मन वाला अगर भगवान के पास जाएगा तो उसके पाप बंधन नियम से नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे का मतलब ढीले पड़ करके गिर पड़ेंगे नीचे, नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही वो फूल सारे के सारे भगवान के पास आते हैं तो ऐसे ऊपर की ओर मुख क्यों हो जाता है उनका, क्योंकि नीचे जो है फूल की जो गांठ जो रहती है उसको बंधन कहा गया है, तो वो बंध जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो फूल रहता है पंखुड़ियां वो ऊपर की तरफ आ जाती है। इसके बारे में भक्तावर में एक ऐसी उत्प्रेक्षा अपन ने करी थी, अगर आपकी स्मृति में हो तो, कि भगवान के चरणों में गिरने वाला अधोमुखी कैसे हो सकता है, यानी फूल का जो मुख है वो ऊर्ध्व की तरफ ही रहेगा। जो भी भगवान के चरणों में नत होगा, ठीक है शरीर की अपेक्षा से देखो तो उसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ झुक रहा है, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी अधोमुखी नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान के चरणों में जाने का परिणाम स्पष्ट है। स्थानी, अब इसका उच्चारण भी बताया था, नहीं, स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया। आज रहने दे, इतने दो ही चलने दे, आज आठ प्रातिहार रहने, तो दो दो करेंगे तो फिर व्यवस्थित क्रम से हो जाएगा, और तीन तीन करेंगे तो क्या होगा कि एक दिन फिर तीसरा नहीं मिलेगा एक दिन, तो दो दो चलने दो फिर। एक बार उच्चारण कर लो दोनों का, क्योंकि अपन ने एक ही बार उच्चारण किया है दोनों का। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा, दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः, अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोपि। किंवा विबोध मुपयाति न जीवलोकः, चित्रं विभो कथम वाङ्मुख वृन्तमेव। क्या पढ़ा आपने? आप सिर्फ नकल करो, दो मिनट के लिए आप बच्चे बन जाओ, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो। मवांग फिर मुख वृंतमेव, मवांग हलंत है कि नहीं, वहां मवांग नहीं बोलना है, वहां पर
मवांग बोलोगे तो फिर पूरा मतलब, अगर कुमुद चंद्र आचार्य स्वर्ग से अवधि ज्ञान लगाए यहां तो उनको बड़ा दुख होगा कि हमारे कल्याण मंदिर का इन भक्तों ने क्या कर डाला। तो जैसा हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, चित्रम विभु कथम वांग, यहां 8 अक्षर हो गया, मुख वृंत मेव, शाबाश, शाबाशी तो देना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर बधाई के पात्र हैं। विश्व पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि, त्वद्गोचरे सुमन साम यदि वामुनीश, गच्छन्ति नून मध एव हि बंधनानि, अब आप घर जाकर के इसका अभ्यास करते हैं कि नहीं? अगर उच्चारण सीखना है तो फिर करना जरूरी है, नहीं तो क्या है कि आप यहां रख दोगे, और जैसे कॉलेज के कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो किताब कहीं पर कॉलेज में अपनी अलमारी में रख करके जाते हैं, ये खुद हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, वहां क्या होता है कि अपने वो रहते हैं तो वहां रख करके अगले दिन निकाल करके फिर क्लास अटेंड कर लेते हैं, वो 24 घंटे तक के बीच में कुछ भी कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए फिर परीक्षा में जो नंबर आते हैं उससे पता चलता है कि साल भर क्या किया था। और वहां क्या होता है कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं वहां पर पासिंग मार्क्स अलग होते हैं, वो 30 नंबर में पास नहीं होता, 30-33 में नहीं, वो 50% पासिंग मार्क्स होते हैं वहां, तो इसलिए कम से कम पास होने लायक तो तैयारी कर लेना चाहिए। कुछ अपने यहां प्रतियां रखना चाहिए इसकी, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, कभी भी कहीं मुसाफिरी में जाना पड़े या फिर कहीं भी ऐसा मौका पड़े तो कम से कम वो चीज तो रहेगी अपने पास। एक तो क्या है कि कुछ ऐसे उपकरण अपने पास होने चाहिए, माला है, फिर कुछ द्रव्य है, क्योंकि कभी भी देवशास्त्र गुरु के पास द्रव्य रहित नहीं जाना चाहिए, माला है, द्रव्य है, और एक छोटी सी पाठावली। पाठावली का मतलब कोई भी ऐसी जिनवाणी जिसमें ये भक्तावर, महावीराष्टक, सुप्रभात, शांत्यष्टक और ऐसे कुछ स्तोत्रों के पाठ हो, प्रतिक्रमण वगैरह हो, तो ये चीजें अपने पास रहने, तत्वार्थ सूत्र हो, तो फिर इससे क्या होता है कि अपन कहीं भी जाकर धर्म ध्यान कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपनी बुद्धि काम नहीं करती तो फिर वो ग्रंथ या फिर जिनवाणी काम आ जाती है, इसलिए ऐसे कुछ चीजें तो अपने पास एक रखना चाहिए अपने। जैसे घर जब भी बनवाते हैं तो शास्त्रों में उल्लेख है, सर्वार्थ सिद्धि में आया है कि एक कमरा धर्म ध्यान का बनाना चाहिए, और अगर आपके यहां ना हो तो फिर अभी क्या बिगड़ा है। अगर कमरे आपके यहां 4-6 कमरे हो मान लो, तो फिर एक स्थान धर्म ध्यान का रख लो, क्या नुकसान है। उपवास के दिन, उसमें यह लिखा है कि उपवास के दिन आप वहां बैठकर कम से कम जाप तो कर सको, ऐसा एक स्थान तो घर में होना ही चाहिए वास्तु में जैन मत के अनुसार। और फिर अगर आपका विचार हो कि भाई नहीं, इस कमरे में टेलीविजन रहेगा, उस कमरे में VCR रहेगा, और इस कमरे में वो 3-in-1 रहेगा, उस कमरे में ऐसा ऐसा, ये सब आपने अलग विषय कषायों में अगर बंटवारा कर दिया है तो भी मतलब एक बार फिर विचार करके देखना कि कोई एक स्थान ऐसा बना करके घर में रखना चाहिए कि जहां पर धर्म ध्यान अच्छी तरह से हो सके। कई लोगों के घर में होंगे भी ऐसे स्थान, कुछ लोग रखते हैं ऐसा स्थान, और कभी कुछ लोग थोड़ा सा एक कोने में ऐसा कुछ बना करके रख लेते हैं, वो उसमें कोई फोटो वगैरह रखी रहती है। पर इसमें एक बात और भी है जानकारी की कि जिस दीवार पर परमेष्ठियों के चित्र होते हैं उस दीवार पर फिर लौकिक चित्र नहीं लगाना। अगर अभी भी लगे हो आपके घर में तो फिर ये जानकारी आपके काम आ सकती है, दिवाली का समय है, साफ सफाई चल रही होगी। तो फिर थोड़ी ये जानने की बात है कि जिसमें परमेष्ठियों के चित्र होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के चित्र हैं, या फिर कोई भी ऐसे पूज्य स्थानों के चित्र हैं, या पूज्य व्यक्तित्व के चित्र हैं, शांति सागर आचार्य महाराज का चित्र है, तो फिर उसी चित्र के नीचे अपने पप्पू का चित्र
मतलब अपने घर के बाल बच्चों का चित्र या फिर ऐसे फैमिली के किसी मेंबर का चित्र उस दीवार पर नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसी सब बड़ी सुंदर व्यवस्था हो सकती है। देखो आप जहां भी है वहां धर्म ध्यान के लिए आप अगर बुद्धि लगाओ तो आपका ज्ञान उपयोग में आ सकता है, उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। कहां पर कैसे रह करके कैसे अपना धर्म ध्यान करना, रात को सोने के पहले एक साथ बैठ करके मेरी भावना का पाठ करना चाहिए। एक हफ्ते में आप देखना कितना सुंदर असर होता है इसका आपके घर में और पूरे वातावरण में उसका एक अच्छा असर होगा। या फिर आप 9 बार नमोकार मंत्र का सामूहिक पाठ करो, मात्र 9 बार या 21 बार, उसका देखो कितना असर होता है। घर में जो अशांति है या फिर कुछ ऐसे वातावरण में खराबी है तो उसमें उस तरंग से परिवर्तन आ जाता है, इतना असर होता है उन मंत्रों की तरंगों का। क्योंकि जिस नमोकार मंत्र को गणधर महाराज पढ़ रहे हैं उस मंत्र का अगर अपन पाठ करेंगे तो क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोग बड़े बड़े लोग हैं तो कई बार छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। अभ्युदगते उदय को प्राप्त हो, सूर्य का उदय होने पर, अभ्युदगत का अर्थ होता है उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, दिनपतो यानी दिनपति का मतलब क्या है? सूर्य, दिन का स्वामी सूर्य। और अभ्युदगत गते का मतलब होता है उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर सारा जगत जागृत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के सानिध्य में पेड़ भी अशोक बन जाता है, आदमियों का क्या कहना। प्रातिहार्यों के साथ भगवान की स्तुति चल रही है। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, देखिए 2 प्रातिहार्यों का वर्णन अपन ने पढ़ा था कल, धर्मोपदेश समय, धर्मोपदेश के समय अर्थात समवसरण में तरुहु जो 8 प्रातिहार्यों में एक वृक्ष हुआ करता है, वो सविधान भावात आपकी सविध अर्थात निकटता के अनुभव यानी प्रभाव से एकदम पास होता है भगवान के अशोक वृक्ष। बिल्कुल ये कहो कि भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजित होते हैं। उच्चैर अशोक तरु संश्रितम, भगवान का जो रूप है वो ऊंचे अशोक वृक्ष के संश्रित होता है यानी नीचे विराजित होता है। तो उस निकटता के प्रभाव से तरुरपि अशोकः भवति, आपका वो प्रातिहार जो वृक्ष है वो एक प्रतिकृति है। किसकी प्रतिकृति है? जिस वृक्ष के नीचे तपश्चरण करते हुए मुनि अवस्था में भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, उसकी प्रतिकृति है। तो वो अशोक वृक्ष ऊंचा भी होता है, ऊंचा कितना होता है ये तो आपको ख्याल में होगा, 12 गुणित होता है, मूल भगवान की ऊंचाई से 12 गुणित ऊंचा होता है। तो वो अशोक वृक्ष, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी 9 हाथ ऊंचे थे, तो अशोक वृक्ष कितना होगा? 108 हाथ ऊंचा। अब 108 हाथ को 4 से भाग दे दो, उसका 4 से भाग दे दो 27, तो 27 धनुष ऊंचा था पार्श्वनाथ भगवान का अशोक वृक्ष। तो जना आस्ताम, फिर मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, जब पेड़ अशोक हो जाता है तो फिर आदमी क्यों नहीं होगा अशोक। तो भगवान की निकटता के प्रभाव से वृक्ष भी अशोक कहलाता है, भले वो वृक्ष बरगद का पेड़ हो, भले वो वृक्ष नाग केसर का वृक्ष हो। अलग अलग तीर्थंकरों को अलग अलग वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान हुआ है, कुछ तीर्थंकरों को एक ही जैसे वृक्ष के नीचे हुआ है, पीपल का पेड़ हो, शाल वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष क्यों ना हो, लेकिन समवसरण में उस वृक्ष का अशोक वृक्ष नाम ही रहता है, वो प्रातिहार्य होता है 8 प्रातिहार्यों में। फिर एक दृष्टांत दिया, दिनपतो अभ्युदगते, सूर्य के उदित होने पर स मही रूहोपि जीवलोक, पेड़ पौधों से सहित ये सारा जीवलोक यानी पृथ्वीलोक, किंवा विबोधम न उपयाति, क्या जागृति को प्राप्त नहीं हो जाता? अर्थात अवश्य ही जागृत हो जाता है सूर्य के उदय होने पर। उसी प्रकार भगवान की निकटता पाने पर
पेड़ भी अशोक हो जाता है, मनुष्य तो निश्चित रूप से शोक मुक्त होता ही है। फिर इसके बाद 20वें काव्य में क्या कहा, विभो हे पार्श्व प्रभु चित्रम, ये आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है कि विश्वक अविरला सुर पुष्प वृष्टि पतति अवांग मुख वृंदमेव कथम। बोले सब तरफ से जो देवों द्वारा की जाने वाली पुष्प वृष्टि अविरल निरंतर गिर रही है, वो गिरती है, लेकिन अवांग मुख वृंदमेव कथम, वो ऊपर की तरफ मुंह करके ही क्यों गिरती है पुष्प वृष्टि? जबकि हम यहां दुनिया में देखते हैं कि शादी ब्याह में या फिर कभी भी किसी अवसर पर फूलों को बरसाया जाए तो कुछ ऐसे आड़े तिरछे गिरते हैं, कभी कुछ फूल ऐसे उल्टे भी गिर जाते हैं, कुछ सीधे गिरते हैं, लेकिन आपके समोसरण में जितनी पुष्प वृष्टि हो रही है, चारों तरफ से देवलोक फूल बरसा रहे हैं। पुष्प वृष्टि का बड़ा सुंदर वर्णन है अष्टपाउड की टीका में कि सब दिशाओं से ऐसे देवलोक विमानों में ऐसे फूल बरसाते, कल्प वृक्ष के फूल लेकर के आते वहां से देवलोक से, और ऐसे अपने हाथों से वो बरसाते रहते हैं फूल, और वो फूल सारे मतलब ऐसे हवाओं से लहराते हुए उड़ते 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 सारे भगवान के पास आकर के गिरते हैं, और समय शरण में घुटनों तक पूरे फूल भर जाते हैं। समय शरण में घुटनों तक पूरे फूल ही फूल भरे रहते हैं पूरे समय शरण में अंदर सभा भूमि में। और जब मुनिराज प्रवेश करते हैं तो फिर वो सारे फूल हट जाते हैं वहां से, और वो ऐसे चार हाथ भूमि देख करके चलते हुए अपने कक्ष में चले जाते हैं। मुनिराज परिक्रमा भी लगाते हैं भगवान की, और बाकी तो फूल भरे रहते हैं वहां पर। गृहस्थ लोग तो धप 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 आते होंगे फूलों के ऊपर से, तो इतनी फूलों की वर्षा होती है वहां पर समव शरण में। वो तो कभी समव शरण पहुंचे अपन तो फिर समझ में आए कि अपन यहां कितना खुरापात कर रहे थे, और फिर वहां हकीकत में क्या महिमा है भगवान की, क्या वैभव है, जब देखो तो फिर दिमाग चकरा जाए। लेकिन तो भी समंतभद्र स्वामी ने तो भगवान की जो स्तुति की, देवागम स्तोत्र एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा है, उसमें कहते हैं कि भाई इन सब कारणों से हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, आप हमारे लिए इन कारणों से महान हो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपकी महानता का कोई दूसरा कारण है हमारी दृष्टि में, और उस कारण से हम आपको भगवान मान करके आपकी आराधना करते हैं। देव लोग आते हैं फूल बरसाते हैं और फिर दूसरे सब अतिशय करते हैं, देवागम नभोयावन चामर आदि विभूते हैं, चमर ढुराते हैं आपको, कितने यक्ष होते हैं चमर ढुराने वाले, 32 युगल यानी 64 चमर होते हैं भगवान के। इन विभूतियों के कारण, इन प्रातिहार्यों के कारण हम आपको महान नहीं समझते, फिर महान क्यों मानते हैं? तो समंतभद्र स्वामी ने आगे बताया कि आपकी वाणी में पूर्वा पर दोष नहीं है और आपकी आत्मा पर किसी प्रकार का आवरण नहीं है, तन पर तो है ही नहीं आवरण, लेकिन आपके चेतन पर भी आवरण नहीं है, इसलिए हम आपको महान मानते हैं। यानी भगवान तक की उनने परीक्षा की, बिना परखे किसी के बहकावे में आकर के श्रद्धालु बनना खतरनाक है। कई बार लोग नाम से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मान लो अभी कोई वर्तमान युग में किसी स्थान का वैष्णव देवी नाम चल रहा है, चलता है, सुना है नाम आपने, या फिर और भी कई तीर्थों के नाम जो कई कई तो ऐसे प्रचलित हो जाते हैं कि नए जमाने में नए नाम हो जाते हैं एकदम। कर्फ्यू वाली देवी एक भोपाल में, क्योंकि वो जब मंदिर बना था तब कर्फ्यू लगा था, इतना भयंकर माहौल बना था, तो ऐसे कुछ प्रचलन में आ जाते हैं नाम हो जाता है, तो फिर नाम के कारण कई लोग श्रद्धालु बन जाते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी बोलते हैं कि हमारा माथा नारियल नहीं है, कहीं भी रख दे विवेक के साथ चलेंगे, और विवेक के साथ यानी परीक्षा प्रधानी बन करके, परीक्षा प्रधानी आज्ञा प्रधानी नहीं होता ऐसी बात भी नहीं है। जिनेन्द्रवर्णी कहते हैं कि परीक्षा प्रधानी बनना तो बहुत अच्छी बात है, संशय प्रधानी नहीं बनना, यानी आप परीक्षा प्रधानी कहलाने के चक्कर में
हर मुनि के बारे में बोलने लगे पता नहीं द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है, तो संशय प्रधान ही हो गए, क्योंकि किसी के माथे पर तो लिखा नहीं द्रव्यलिंगी या भावलिंगी। तो अगर संशय करने लग जाओगे तो फिर जीवन में एक भी साधु को आहार दान नहीं दे सकते, एक भी, चाहे वो गणधर मुनि आ जाए चाहे कुंदकुंद आचार्य आ जाए, आपके द्वार पर भूखे रहेंगे वो, क्योंकि आप प्रदान नहीं करेंगे, आपको क्या पता कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी, उनके ऊपर तो लिखा नहीं कुछ। ये स्थिति बनेगी, इसलिए बोले कि संशय प्रधानी होना बुरा है, परीक्षा प्रधानी अवश्य होना चाहिए लेकिन संशय प्रधानी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने परीक्षा की है, परीक्षा ऐसे की कि मतलब सामने वाला भी अपना विवेक लगाए, जो स्तोत्र को सुने या पढ़े, अब उसी स्तोत्र का पाठ शताब्दियों बाद एक मुनि महाराज किसी मंदिर जी के अंदर बैठ करके कर रहे थे,